देखिए, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आप पाइथन में सीएसवी फाइल बना सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप एक्सेल में भी सीएसवी फाइल बना सकते हैं। कैसे बनेगी वो सीएसवी फाइल, आइए दिखाता हूं। यहाँ पे एक्सेल ओपन किया हमने, तो ये एक्सेल का 2007 है, इजीली आपके पास भी अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम कोई सीएसवी फाइल बनाते हैं। अब बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पर पहले तो मैं इसे काफी जूम हो गया, इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं नेम, नेम में नेम आएगा, और यहाँ लिख देते हैं क्लास, और क्लास में क्लास आएगा। ठीक है, ये लिख करके एंटर कर दीजिए, नीचे आ जाइए। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो नेम में आर एम राम लिख दिया, फिर एंटर किया, यहाँ पे श्याम लिख दिया, फिर एंटर किया, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, मोनू सोनू कुछ भी लिख देते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, और अब इनके क्लासेस मेंशन कर लेते हैं। तो क्लास 12 हो गया, क्लास 11 हो गया, क्लास 10 हो गया, क्लास 9 हो गया। तो यहाँ पर ये क्लासेस भी मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, लेकिन ये सीएसवी फाइल कैसे बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जाएंगे इसको सेव करने के लिए, तो सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आएगा, और यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा कॉमा डिलिमिट, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये जो है ये सीएसवी फाइल है आपकी, और ये बुक वन आ रहा है। तो इसको हम चाहे तो किसी और भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के मैं एस यू आर एज सूरज के नाम से सेव करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से यस कर दीजिएगा इसको, ये सेव हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ सेव हुआ है ये देखना होगा। ठीक है, जैसे हमने इसे सेव किया है तो ये गया कहाँ है वो लोकेशन देखनी होगी। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट में गया, लेकिन हम इसे डेस्कटॉप पे ले चलेंगे, तो यहाँ से हम डेस्कटॉप पे करेंगे, इजिली दिखाई देगा हमको, आपको भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर यस करके ओके कर दीजिएगा, तो अब ये डेस्कटॉप पे चला गया है। तो देखिए डेस्कटॉप पर ये सूरज ये आया हुआ है, देख सकते हैं सूरज डॉट एक्सएलएस आया हुआ है ना, ये एक्सएलएस फाइल बन गई है, सीएसबी फाइल तो बनी नहीं है। तो एक मिनट इसको फिर से चेक करते हैं, इसको एज ए सीएसबी हमें सेव करना है, एक्सएलएस सेव नहीं करना है। तो यहां से जा करके और ये कॉमा डिलिमिट इसमें दिया होगा, तो ये देखिए ये है सीएसबी, और यहां से जाकर के ओके करिएगा, यानी सेव करिएगा और यस करिएगा। तो ये हो गया और ये सेव हो गया। और सेव होने के बाद क्या करना है आपको, सेव होने के बाद यहां पर आना है आपको, और पाइथन ओपन कर लेना है अपना, सिंपली पाइथन ओपन कर लीजिएगा जिस पे आप काम करते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप वीएस कोड ही इस्तेमाल करें, आप ये भी ओपन कर सकते हैं, तो इस पे भी काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। अब आपको करना क्या है, यहां पर सारा कुछ तो हो गया, तो यहां पर अब काम बहुत आसान हो गया है आपको। ठीक है, जो है इंस्टॉल होनी चाहिए, यहां पर लिखिएगा इंपोर्ट पांडास, पी ए एन डी ए एस, इस बार कर देता हूं पांडास के बाद मैं क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं यहां पर एज, इसे नाम दे देता हूं डीसी। ठीक है, और एंटर कर देते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद करना क्या है, नीचे आने के बाद यहां पर एक किसी भी नाम से बना लीजिए, जैसे मान लीजिए माय फाइल नाम से ही हम बना लेते हैं, माय फाइल इज इक्वल टू का निशान लगाया, और फिर यहां पे लिखिएगा, अब यहां पे क्या दिया, डीसी दिया ना, डीसी डॉट रीड, हम इसको रीड करना चाहते हैं, तो डीसी डॉट रीड अंडरस्कोर कैसी फाइल है, ये सीएसवी फाइल है, और यहां पर ये डबिटेड कॉमा लगा करके अब आगे आपको चीजें लिखनी है। तो ये डबिटेड कॉमा ओपन किया, फिर क्लोज किया, और डबिटेड कॉमा ओपन और क्लोज करने के बाद इसके अंदर आपको वो पाथ देना है जो जिस पाथ पर आपकी फाइल सेव है, यानी कि वो पाथ हमारा कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। ये देखिए ये है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके और यहां से प्रॉपर्टीज पे जाइए, या आप कॉपी पाथ भी कर सकते हैं, यहां से कॉपी कर लीजिए सीधा, और यहां पर आइए और यहां पर आकर के इस पाथ को पेस्ट कर दीजिए। तो ये पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही पेस्ट हो जाएगा ये, तो देखिएगा ये डबल डबल कॉमा लगा हुआ है, तो एक को हटा दीजिएगा, और यहाँ पे स्लैश जो है, यहाँ पे देखिए ये जो स्लैश है इसको डबल कर लीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये डबल करेंगे, और डबल करके इस तरीके से आएंगे, और यहां पर भी डबल ही रखेंगे। ठीक है, और डबल रख करके अब आपको एंटर करना है, और यहाँ पे इसे प्रिंट करवा देना है। प्रिंट करिएगा यहाँ पर, जैसे हमने क्या नाम दिया था, हमने इसे नाम दिया था माई फाइल, तो यहाँ पे माई फाइल लिख दिया हमने, और इसी को हम प्रिंट करवा देंगे। जब चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसको सेव करना पड़ेगा, तो सेव कर देंगे, माई किसी भी नाम से सेव कर देते हैं, और ये एंटर कर देते हैं, ये हो गया। जब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वही फाइल आपको फेच होती हुई नजर आएगी यहाँ पर, जो फाइल हमने बनाई थी सीएसबी, देखिए वो जो है हमारे सामने है, देख सकते हैं ये सीएसबी फाइल है हमारी, देख सकते हैं ना, यही फाइल तो हमने एक्सेल में भी बनाई थी। तो इसे हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे, वहां पे क्या कर रहे थे कल जब हम लाइव क्लास ले रहे थे तो वहां पे राइट कर रहे थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल वर्क तो 8 बजे शाम को लाइव हमसे जुड़ सकते हैं, और आज देखता हूँ, आज पाइथन की क्लास कोशिश करता हूँ चलाने की 6 बजे वाली।